हेलो स्टूडेंट, आज के पार्ट में हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पर्टिकुलर एंगल्स के लिए निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू 30 डिग्री के लिए क्या होती है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, और जो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड की जो लेंथ है, फिलहाल हमने उसको एज्यूम कर लिया है ए। ठीक है, तो स्मॉल ए या स्मॉल ए, और यह भी साइड कितनी हो जाएगी, स्मॉल ए। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक, और यह जो परपेंडिकुलर है इसको एम पे कट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो यह लेंथ हो जाएगी ए बाई टू और यह भी ए बाई टू। और देखिए यह एंगल कितना होगा, यह देखिए 90 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यह 60 हुआ, तो इस तरीके से यह एंगल हो गया 30 डिग्री। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए एम निकालते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर ए का स्क्वायर और बी एम स्क्वायर, बी एम यहाँ पर देख रहे हैं ए बाई टू है, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई फोर, सबट्रैक्ट कर लेंगे तो आ गया 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। और यहाँ से आप ए एम बराबर लिखेंगे तो लिख सकते हैं अंडर रूट 3 a/2। ठीक है, अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की। तो देखिए साइन 30 डिग्री हम लोग बात कर रहे हैं, और ये हम बात किस ट्रायंगल में कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी एम। तो ध्यान दीजिए, साइन 30 लिखेंगे मतलब इस एंगल के लिए लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर बी एम अपान हाइपोटेनस ए बी। तो देखिए बी एम की वैल्यू ए बाई टू है और ए बी की वैल्यू ए है, तो ये आ गया 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाल पाए 1/2। अब देखिए कॉस 30 निकालते हैं, तो कॉस 30 देखिए या परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया ए एम अपान हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है ए बी, तो ए एम की वैल्यू आप देख रहे हैं रूट 3 a/2, या ए एम की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है a, तो देखिए कैंसिल हो गया, कितना हो गया √3/2। अब आ जाते हैं tan 30 पर, तो ध्यान दीजिए tan 30 क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस ए एम। तो अब ये देखेंगे बी एम कितना है यहाँ पर, तो बी एम है देखिए ए बाई टू, और ए एम है √3/2a, तो यह कैंसिल हो गया, आ गया 1/√3। ठीक है, अब हम लोग देखिए अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो इस तरीके से कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी √3। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 60 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन हमने बिल्कुल वैसे ही किया है, अब हम लोग फिर इस ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए साइन 60 इसकी बात करते हैं, तो देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है ए एम, और हाइपोटेनस तो खैर ए बी है ही है, और ए एम की वैल्यू भी हम लोग निकाला था √3/2a, और ए बी की वैल्यू ए है, तो यह कैंसिल हो गया, आ गया √3/2। इसका मतलब साइन 60 की जो वैल्यू होती है वह √3/2 होती है। ठीक है, अब हम लोग कॉस 60 देखते हैं, तो बेस इस एंगल के लिए बेस है बी एम, और जो हाइपोटेनस है वह ए बी है, तो बी एम 1/2a है मतलब ए बाई टू है, और ए बी जो है वह ए है, तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर कॉस निकाल लिए, टेन निकालना चाहेंगे, तो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एम अपान बेस बी एम, तो ए एम देखिए कितना है √3/2a, और बी एम है 1/2a, कितना आ गया √3। तो यह अगर हम लोग कोसेक 60 देखेंगे तो फिर 2/√3 हो जाएगा,
sec 60 देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और cot 60 देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यह देख रहे हैं कि 60 डिग्री के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कैसे हम लोग पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 45 डिग्री के लिए निकालना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और यह जो ट्रायंगल हमने बनाया है वह राइट एंगल है, साथ में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, मतलब यह साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, मतलब हमने इस बार कंस्ट्रक्शन किया एक AMB लिख लिया, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जो कि आइसोसेलेस भी है, मतलब यह साइड इस साइड के इक्वल है, और जिसको हमने ए जूम कर लिया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यह एंगल ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? यह 90 है और इन दोनों का सम 90 है, चूँकि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो यह 90 आधा आधा हो जाएगा, 45 एंड 45। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और यहाँ पर हाइपोटेनस की लेंथ निकालेंगे। तो देखिए, AB² इज इक्वल टू AM² प्लस BM², तो AB² कितना हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर फाइंड करना है AB² AM² कितना लिखेंगे, A² और BM² A², तो 2A², और इस तरीके से हम लोग AB निकालिए √2A। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, √2A, क्योंकि ये निकाला है तो हम एरो लगा दे रहे हैं कि ये हम लोग फाइंड किए हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं sin 45 डिग्री। तो देखिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AM है और हाइपोटेनस तो AB है, तो यहाँ पे हो जाएगा AM देखिए A है और AB हम लोग निकाले हैं √2A। ठीक है, तो यह हो गया कितना, 1/√2। इसका मतलब sin 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वह 1/√2 होगी। अब देखिए cos 45 देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस BM/hypotenuse AB। ठीक है, जो BM है इसकी वैल्यू A है और AB की वैल्यू √2A है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं tan की बारी है, तो tan 45 परपेंडिकुलर AM/base BM। ठीक है, AM है A और BM है A, तो यह हो गया 1। अब ये देखिए, sin 45 की वैल्यू जो है 1/√2 आई, cos 45 की वैल्यू 1/√2 आई, tan 45 की वैल्यू 1 आई। अब देखिए, इसके रेसिप्रोकल्स कर दीजिए तो cosec 45 √2 हो जाएगा, sec 45 √2 हो जाएगा, और cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 45 डिग्री के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 0 डिग्री के लिए निकालना सीखेंगे। तो देखिए, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC और ये एंगल लिया है थीटा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, sin θ लिखेंगे तो लिखेंगे AB/AC। अब यहाँ पे एक बात को समझिए कि अगर जो यह एंगल है डिक्रीज करेगा, जैसे यह एंगल इतना है तो यह देख रहे हैं डिक्रीज करेगा, तो यह परपेंडिकुलर हाइट की हाइट कम होगी, मतलब परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वह कम होगी, और थीटा डिक्रीज करेगा, लेंथ और कम होगी, थीटा डिक्रीज करते करते 0 पे टेंड करेगा, और जो AB है वह 0 होता जाएगा। इसका मतलब है sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। और ऐसे ही अगर हम लोग cos θ की बात करेंगे तो देखिए, cos θ क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेस BC और या हाइपोटेनस AC। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब यह θ कम होगा तो A पॉइंट नीचे आएगा, मतलब यह यहाँ पे आएगा, थीटा और कम होगा तो यहाँ पे आएगा, थीटा और कम होगा तो यहाँ पे आएगा, थीटा और कम होगा तो यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आप देखेंगे जो AC है वह छोटा होता जाएगा, और छोटा होते होते एक केस में जब थीटा 0 पे टेंड करेगा तो जो AC है वह CB के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि AC जो है वह CB या BC के बराबर हो गया, तो यह हो जाएगा BC/BC, और इस केस में वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि अगर ये cos या 0 हो गया एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो sin 0 की वैल्यू आप देखिए 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहाँ से आप देखेंगे इनकी रेसिप्रोकल, तो sin का रेसिप्रोकल cosec 0 हो जाएगा, sin 0 का रेसिप्रोकल ना,
तो वह डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। वैसे ही यहाँ पर 6/0 देखेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। 10/0 जो है यहाँ पर देखेंगे तो sin 0/cos 0 जो कि 0 हो जाएगा, और cot 0 इसी तरीके से नॉट डिफाइंड होगा। देखिए 0 डिग्री की जो वैल्यू है एक्चुअल में हम लोग क्लास 11th में सही तरीके से फाइंड कर पाएंगे, और 90 की वैल्यूज़ भी वहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका हम लोगों ने ज़रूर देखा है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो बेहतर अप्रोच है वह हम लोग अगली क्लास में पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को हम लोग एक टेबल में अरेंज कर लेंगे और उसको लर्न रखेंगे, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो इन सब वैल्यूज़ की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। अब हम लोग जो वैल्यूज़ निकाले हैं उसको एक टेबल में अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने टेबल में अरेंज कर लिया है, और इस टेबल को आप लर्न करेंगे क्योंकि इसके बाद जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इन सबको अप्लाई करने की ज़रूरत आएगी। तो देखिए sin 0 की वैल्यू 0 निकाला था, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, और sin 60 की वैल्यू √3/2। और जैसे हमने 0 की बात करी थी वैसे हम लोग sin 90 डिस्कस करते तो 1 आता, और कास की वैल्यू देखिए हम लोग इस तरीके से निकाले थे, तो इसको अरेंज कर लिया। इसको लर्न करने के तरीके होते हैं, देखिए आपने साइन की वैल्यू ऐसे लिखी है तो कास की वैल्यू इधर से आप लिख दीजिए। ठीक है, काट निकालना है, टेन निकालना है, सेक या कोसेक निकालना है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो रिलेशंस हैं उसको यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे टेन निकालना है तो sin/cos कर दीजिए, काट निकालना है तो cos/sin कर दीजिए, वैसे ही सेक निकालना है तो कास का रेसिप्रोकल लिख दीजिए, और कोसेक निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो अपने अपने ढंग से आप इस वैल्यू को याद रख सकते हैं। हाँ, लेकिन यह कि वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।